आज हम लेकर आए हैं आलू पनीर की मसालेदार सब्जी। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, रानी किचन में स्वागत है। तो सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन डाल देना है। तो लहसुन अगर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 टमाटर को इस तरह से काट लिया है लंबे लंबे टुकड़ों में, इसको डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अलग और टेस्टी ये आलू पनीर की सब्जी की रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्याज को काट करके डाल दिया है, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे तेल। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल का इस्तेमाल किया है। तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं घर में आप उसे डाल दें। और तेल गरम होने के बाद इसमें हमने यहाँ पे लिया है 3 आलू बड़े साइज का, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो पनीर के साइज का भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं आलू। छोटा होने से फ्रेंड्स आलू जल्दी से पक जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है पकने में। तो इसको हम भून लेंगे चलाते हुए, और गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। नए हैं तो रानी किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारा आलू भी इधर अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसी में हमने 1 चम्मच जीरा और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक प्याज को हमें भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से प्याज भून गया है। तो इसमें डाल देते हैं हल्दी। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब डाल देते हैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर। तो जितना आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो 1 छोटे चम्मच हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। इसको सारी चीज़ों को धीमी आंच पर हमें थोड़ी देर भून लेना है। इसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार की है, यहाँ पे टमाटर और जो हमने इसमें लहसुन अदरक डालकर पेस्ट तैयार किया है, इसको बस इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको हमें भूनना है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए और जले ना। तो ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है 2-3 चम्मच के लगभग, और इसको चलाते हुए हमें धीमी आँच पर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, आप पनीर की सब्जी तो खाते ही हैं, आलू पनीर की सब्जी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। तो यह देखिए हमने यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल दिया है ताकि जो मसाला जो है इसमें टमाटर अच्छे से पक जाए और मसाला जो है टेस्टी बने। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पे हमने थोड़े से पनीर को इस तरह से मैश करके डाल दिया है ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी सी थीक बने। तो इस तरह से डाल करके थोड़ा मैश करते हुए इसको चलाते हुए हमें भून लेना है। तो बिल्कुल अलग तरीका है, नया तरीका है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो ये देखिए हमने मसाले को चलाते हुए अच्छे तरीके से इसको भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं जो आलू हमने भून करके निकाले थे, इसको डाल देना है ताकि थोड़ा बहुत आलू कच्चा रहेगा तो इसमें मसालों के साथ इस अच्छे से पक जाएगा। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है ताकि मसाले भी ना जलें, आलू भी अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से पक गया है। तो इसमें अब डाल देते हैं पानी। तो पानी आप ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कम डालें, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। और आलू को भी पकाना है फ्रेंड्स, तो पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है, ढक करके इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है। तो आलू को भी चेक कर लेते हैं कि आलू पका कि नहीं। तो इस तरह से चाकू की हेल्प से हम इस तरह से काट करके देख लेंगे। तो हल्का सा आलू अभी कड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़े से 1-2 मिनट और हम पका लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो ये देखिए पनीर को हमने काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। घर का पनीर है फ्रेंड्स, घर पर ही हमने पनीर को तैयार किया है। इसको अच्छे से डाल करके मिक्स कर लेना है,
और एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है ताकि जो मसाले हैं पनीर के अंदर भी चले जाए और सब्जी जो है स्वादिष्ट बन के तैयार हो। तो ये देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। तो अगर रोटी पूड़ी पराठा के साथ आप खाना चाहते हैं तो इसी तरह से ग्रेवी इसका रखें तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आप भी इस तरह से ज़रूर घर पर सब्जी बनाएं, आलू पनीर की बहुत ही टेस्टी बनती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है और खाने में तो टेस्टी है ही फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, पूड़ी पराठे और चावल के साथ भी इस सब्जी को खा सकते हैं बना करके गर्मा गर्म। तो आज की हमारी ये आलू पनीर की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।